हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। मैं आज बॉस सोया हूँ और आज मैं व्लॉग भी बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। असल में आज छुट्टी थी तो कहीं गए नहीं। आज सुकून से मैंने नींद पूरी की है। अभी मैं ऊपर छत पे फिर रहा हूँ ऐसे ही। मैं कहा ज़रा सुबह 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 तो नहीं है वैसे, हो तो दोपहर ही नहीं है। अभी मैंने नाश्ता भी करना, कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने। अभी आज के क्या प्लान्स हैं वो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। दो प्लान्स हैं, अब उसमें से पता नहीं कौन सा करना है नहीं करना, कोई अभी आइडिया नहीं है। चलो अभी ज़रा छोटे मोटे काम कर लूँ, उसके बाद आता हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के कोई 1:30 बज रहे हैं और मैं जाने लगा हूँ शेरशाह। ये है हैंड ब्लेंडर, ये हो चुका है ख़राब। घर का, घर में काम वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है खाने बनाने के लिए, इसको मैंने सही कराना है। तो चलो इसको जल्दी से सही कराते हैं और फिर आते हैं। ये देखो ये निकल चुका है, इसके अंदर की ये वाली, ये जो मोटर है ना, मोटर तो नहीं है क्लिपर होता है, यही सारा ख़राब हो गया, जल गया, पिघल गया। और वो एक मशीन है, ये भी सारा गया, इसका भी वो ख़राब हो गया। चलो ये सही हो जाए तो फिर इसके बाद एक दो काम और हैं वो करके ना फिर आता हूँ मैं बाद में। लो जी सही हो चुकी है ये, ठीक है। भाई ने तो 1 मिनट में इसको सही कर दिया, कारीगर है। मैं इसको घर में खींचता रहा, मेरे से खुली नहीं, ये तो 1 मिनट में खोली, एक चीज़ निकाली, लो जी सही होगी। मैं कहा सही है, चलो अब एक मशीन रह गई है ये वाली, इसका देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसका कोई हल निकलता है तो करा लेते हैं, सही नहीं होता तो इसको बाद में कराएंगे फिर सही। अभी मैं अपना ड्रोन चार्ज करने लगा हूँ, काफ़ी दिन हो गए ड्रोन ही नहीं चार्ज किया हुआ। इसी बैग में, ऐसी बैग में ड्रोन पड़ा हुआ है इतनी देर का, तकरीबन कोई 1-1.5 महीना हो गया ड्रोन ही नहीं उड़ाया मैंने। पहले देख तो लूँ है भी सही कि नहीं, और इसकी बैटरी कितनी है। 3 साल शो रहे हैं वैसे, अगर ज़्यादा देर तक चार्ज ना ना करो तो इनकी ना बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:30, फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है। फ़ोन को भी चार्जिंग पर लगा दूँ और ड्रोन श्रोन चार्जिंग पे लगा दूं और बाकी ये जो काम है ना इनको चार्ज करके ना फिर हम चलते हैं उधर हवेली पे और अपने छोटे ड्रोन से मिलकर आते हैं। मोबाइल तो चार्जिंग पे लगा दिया, ड्रोन की चार्जिंग वाली वायर नहीं मुझे मिल रही। ये चार्जर के साथ वायर्स तो हैं लेकिन ना इनके साथ ये चार्ज नहीं होता, पता नहीं क्यों ये इसमें पूरी फिट नहीं आती। बैग में देखा हूँ बैग में है कि नहीं, रखी तो बैग में ही थी, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई। टाइप सी है, टाइप सी नहीं लगती उसको, लगती है माइक्रो यूएसबी केबल, माइक्रो यूएसबी केबल 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 केबल। मेरा ख्याल है इधर है ही नहीं वो, शायद सुफियान के पास रह गया बैग, असल में पड़ा था सुफियान के पास और वो माइक्रो यूएसबी मेरा ख्याल उसी के पास रह गई है। चलो एक जो गाड़ी कोई लगा के देखते हैं, अगर चल गया तो चल जाएगा वरना फिर इसको चार्ज करेंगे। मुबारक हो मुबारक, लग गया ड्रोन चार्जिंग पे। वो एक तार मुझे मिल गई थी, है तो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई यहाँ से, वही नहीं वो ड्रोन लग चुका है चार्जिंग पे। अब ड्रोन चार्ज हो जाएगा फिर उसके बाद इसके रिमोट को चार्जिंग पे लगाऊंगा। चलो ये हो गया, हम हवेली चलते हैं तब तक। ये रहा हमारा छोटा ड्रोन। हेलो छोटे डॉन, कैसे हो, ठीक हो, क्या कर रहे हो? ये ना बड़ा क्यूट सा प्यारा सा है, इतना प्यार करता है ये, देखो। ओए मेरे हाथ से कैमरा गिर जाना, आ जाओ। चलो इसको खेलने देते हैं हम, ज़रा जो बड़ा डॉन है ना उसको ज़रा तंग करके आते हैं। तुम ये इसके काम चेक करो, ये देखो चले। मार रहा है मुझे। नीचे आ ना पुत्र, तू ऐसे लायक ही नहीं है, तेनू कुछ के आ जाए। चलो उसे खाना खाने देते हैं। वो छोटा डॉन फिर अंदर फिर रहा है। हाँ आ गया हूँ मैं। हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हैं आ गया हूँ मैं। हेलो 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 हेलो, ये ना बहुत प्यारा सा क्यूटी सा है ये। हेलो 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 हेलो, ये देखो। चलो अब मैं जा रहा हूँ, जाऊँ मैं, चलो तुम खेलो मैं जाने लगा हूँ। चलो
इन्हें सारों को खाना खाने देते हैं, खाना छाने इन्हें डला हुआ है। अभी मैंने जाके गाड़ी भी साफ़ करनी है। चलो पहले गाड़ी साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद आता हूँ मैं। ये देखो मुझे कौन सी चॉकलेट मिली, चंकिन, इतनी पुरानी। ये जब मैं छोटा होता था ना तब खाया करता था। समी भाई पता नहीं कहाँ इसे लेकर आए हैं उठा के। चलो ये सामान वामान आ गया कुछ। समी भाई से कपड़े वगैरह मैं ढूंढ ले रहा हूँ गाड़ी के, वो दोनों यारे पॉलिश वगैरह और कंपाउंड वगैरह। चलो पहुँचते हैं गाड़ी के पास फिर आते हैं। लो जी पानी हमारे पास आ गया, अब हम ज़रा गाड़ी शाड़ी धो लें। समी भाई भी आ गए हैं, आ जाओ दो गाड़ी आके। एक ये भी धोनी है और ये वाली भी धोनी है। चलो गाड़ी शाड़ी धो लें फिर उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। गाड़ी धोते हुए ऐसा फोकस होना चाहिए, फोकस चेक करो। गाड़ी इतनी वैसे गंदी हो तो नहीं रही थी, बस ऐसी है ना मिट्टी मिट्टी आई हुई है। हमने कहा रा धो दें साफ हो जाएगी। चलो यार गाड़ी धो लूँ मैं फिर आता हूँ मैं। अभी गाड़ी पूरी वॉश हो चुकी है हमारी, अभी इसके ऊपर मैंने लगानी है पॉलिश। अभी जितनी शाइन मार रही है ना इससे इसका कलर और ज़्यादा शाइन मारेगा। लो जी गाड़ी को पॉलिश वॉलिश लग चुकी है और गाड़ी हमारी लश्कारे मार रही है। सारी की सारी गाड़ी साफ़ कर ली और ऊपर से बाहर बादल आ चुके हैं। अभी हमने गाड़ी धोई और बाहर बादल आए हुए हैं सारे के सारे। चलो कोई नहीं, गाड़ी तो धुल चुकी है, सारा का सारा क्लियर हो चुका है। अभी जो मेरा जो प्लान था, जो मैंने दो प्लान सुबह में बताए थे उसमें से एक प्लान तो कैंसिल हो चुका है। एक प्लान होना है इसलिए तो गाड़ी धुली है। अब वो प्लान क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एक चीज़ तो रह गई है ये पैड्स। सारी गाड़ी धो ली है और हमने मड पैड साफ ही नहीं किए। चेक करो अंदर मिट्टी लगी, इधर नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखो मिट्टी शिट्टी सारी लगी हुई है। हाँ करने साफ। अब बात हो गई हमारी भी, हमें तकरीबन एक डेढ़ घंटा हो गया और हमने सारी गाड़ी साफ़ कर ली, धो धुला के सुखा भी दी और अब गौर कर रहे हैं मड पैड तो हमने साफ़ ही नहीं किए। चलो इनकी खैर है, बारिश वैसे भी मौसम तो बारिश वाला हुआ है, बाकी अगर नहीं हुई तो बाद में इसको साफ़ कर लेंगे। अब मैं ना ये कपड़ा धोने जा रहा हूँ, धोने के जा रहा हूँ, गीला करने जा रहा हूँ। अब हमने इरादा किया है कि चलो यार इतनी गाड़ी साफ़ कर ली है 10 मिनट और लगा लेते हैं, पैड भी साफ़ कर लेते हैं, मोटर की तार लगाते हैं और मैं कपड़ा गीला कर लूँ। उधर समी भाई एक कपड़ा मार रहे हैं, वो पहले से मैंने गीला करके दे दिया था। ये गीला करके ले के जाता हूँ, ये गीला हो जाएगा, वो वाला गंदा हो जाएगा और उसको आगे मैं दोबारा धोऊँगा। ये लो कपड़ा, लो जी एक कपड़ा चला गया और अब ये वाला कपड़ा मैं धो के लाऊंगा। धो के क्या लाऊंगा, वही गीला करना, गीला करके अब यही कोई 2-3 साइकिल इसी तरह चलेंगे। तो चलो ये हम साफ़ कर लेते हैं और फिर हम लोग भी फ्रेश हो जाएं और फिर हम लोग आगे निकलते हैं। फुली चार्ज्ड ड्रोन भी चार्ज हो चुका है और फ़ोन भी हमारा यहाँ पे फुल चार्ज हो चुका है। चलो यार चीज़ें तो मेरी पूरी की पूरी चार्ज हो चुकी हैं, बस एक चीज़ रह गई है, वो था ड्रोन का रिमोट। उसको मैं बाद में चार्ज कर लूँगा क्योंकि उसकी बैटरी चल जाती है। तो अभी गाड़ी शाड़ी मैंने धो ली है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने, तो ज़रा फ्रेश हो जाऊँ फिर आता हूँ। मैं हो चुका हूँ तैयार जाने के लिए और ये अभी तक ऐसे ही नंगे खड़े हैं बीच में, नहा के अभी निकले हैं। टाइम हो रहा है 7:10 और उधर से क्या हो रहा है, मेरा तो जवानी का टाइम है। आप तैयार हो जाओ, उधर से कॉलें आ रही है। अब 3-4 कॉलें आ चुकी हैं और ये अभी तक यहाँ पे बस ऐसे ही फेर रहे हैं। चलो बस ये तैयार हो जाए और मैं निकलने लगा हूँ। आगे आ गया। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गया कि मैं जा रहा हूँ हकीके पे। हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं, उनका बेबी हुआ है तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया हुआ है सारों को, सारी फैमिली को, तो हम सारे जा रहे हैं। ये सारी उतर गई है, ये उतरी है और बचत हो गई है। बम्पर ही उतरे हैं, वो तो पहले का लगा हुआ है। हाँ चलो ये उतरेगा, क्लिप से निकले इसके, ये निकल लग जाएंगे। ये देखो यार ये सारी गाड़ी किसी ने मार दी है। किसी ने क्या, जब हम रास्ते में थे ना तब रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो पीछे से ला के किसी ने ना ला के सही पीछे रख के इसको गाड़ी ठोकी। अब ये सारा होता है दुख। चलो कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं। अभी इधर फंक्शन था, सारा काम वगैरह ख़त्म हो गया, अब बस घर निकलेंगे। अभी समी भाई आ रहे हैं, समी भाई फिर लेट हो गए हैं, वो मेरे सामने तैयार हो रहे थे।
तो चलो कोई बात नहीं, सुबह इसके बम्पर वगैरह लेकर आएंगे नए, तो वो सुबह के ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने को। अभी समी भाई का इंतज़ार हो रहा है, वो आते हैं तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत अंदर फैमिली के साथ होंगे और उसके बाद बस फिर घर निकलते हैं। ये देखें ये शख्स आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 9 बज रहे हैं। थे किधर हैं? इतना टाइम 9 बज रहे हैं हैं? पहले नहीं आया जाता? लो यार समी भाई आ गए हैं, अब बस फ्री होके ना फिर घर को निकलेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस यही कुछ था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अब कल की वीडियो में अब मुझे जाना पड़ेगा सिविक के वो जो बम्पर ना अगले पिछले दोनों लेकर आने हैं, वो किसी के पास रखे हुए हैं, वो अभी तो इसको लगी हुई है किट। अब वो जो नए बम्पर्स जो ओरिजिनल जो स्टॉक आते हैं वो लेकर आने हैं। अब वो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जी वो आते हैं नहीं आते। वैसे लेकर तो आने ही हैं क्योंकि अब इसको क्लेम में डालेंगे, क्योंकि गाड़ी वैसी सारी की सारी पीछे से ठुक गई हुई है, ख़राब हुई हुई है मेरा सांस फूल रही है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। फिर मिलेंगे ऐसी बड़ी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। यार मैं नहीं ले रहा, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी। हेलो हेलो चल नहीं रहे हो? देखते हैं ना कितने यार, ये रखा मैं अपनी मर्जी से लूंगा ये बस इतना ही बहुत ले नहीं रहे अब मैंने बड़े ना मजे से चमचे भर भर के डाल रहे थे अभी मैंने कैमरा ओपन किया और ही चमचा छोड़ दिया, मैं नहीं डाल रहा। डाल लो यार, अब बंद कर रहा हूँ मैं कैमरा। डाल लो